सूर्य के तीन नाम हैं। जब उगे नहीं रहते हैं तो उस समय उनका नाम शविता है, यानी सूर्य की आत्मा। आध्यात्मिक नाम सविता, और उगने के ठीक पहले जो किरणें आने लगती है वह आदिदैविक है, उनका नाम आदित्य है। और जब प्रकट हो जाते हैं तो स्थूल रूप में उनका नाम सूर्य है। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। हम सविता का ध्यान करें और उनके दिव्य तेज से अपने आप को अनुप्राणित करें। तीन आध्यात्मिक किरणें सविता से आती है। एक है ओजस, जो शरीर को निरोग, ओजस्वी, स्फूर्तिदान। दूसरी है तेजस, जो हमारे सूक्ष्म शरीर को तेजस्वी बनाती, मस्तिष्क को तेजस्विता प्रदान करती। और तीसरी है वर्चस, आध्यात्मिक तरंगे जो हमारी आत्मसत्ता को पवित्र करती। इन किरणों को हम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, और रोम रोम में उसका हम विनियोग कर रहे हैं। ही भाव से एक बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को प्रणाम। आप सभी मित्रों को हमारा प्रणाम है। सबसे पहले, चूँकि यह वसंत पर्व पर शुरू हो रहा है आयोजन, माँ सरस्वती को हम ध्यान करें। ऋषियों ने कहा है वसंत पंचमी तिथौ सरस्वत्या प्राकट्येन। वसंत पंचमी तिथौ माँ सरस्वती का प्राकट्य अवतरण वसंत पंचमी तिथि को हुआ था। विद्या जयंती साते न सर्वलोके तु कथते, इसको विद्या जयंती पर्व कहा गया। यह ज्ञान विज्ञान का सत्र हमें पूर्णता तक ले चले, इसके लिए माँ सरस्वती से हम अनुकंपा प्राप्त करें। वेद मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। एक ओम पावकान सरस्वती वाजे भीर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धियावसु। ओम सरस्वत्यै नमः। माँ सरस्वती की वंदना हुई। इस मंत्र में ऋषि ने यह अभिव्यक्त किया है कि अध्यात्म और विज्ञान दो धाराओं से माँ सरस्वती जीवन में सरसता प्रदान करती है। सरस्वती, यह जीवन सरस हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, इसके लिए दोनों धाराओं को हमें साथ लेकर चलनी पड़ती है। यह वेद का आदेश है। विद्याम च अविद्याम च, यानी अध्यात्म को और विज्ञान को साथ लेकर चलो। क्यों? अविद्या मृत्यु तीर्थवा, पदार्थ विज्ञान के द्वारा हम मृत्यु को पार करते हैं, जीवन को सुखमय सुविधामय बनाते हैं। और विद्या अमृतम अश्नुते, अध्यात्म से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। तो इस क्रम में आज का विषय है, उस पर हम लोग सीधे आए, कैसे ध्यान प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। हाउ मेडिटेशन इवॉल्व्स नेचुरली। वस्ता जिन्हें जिन्होंने भी जीवन में कुछ पाया है, सब प्रकृति से ही पाया। प्रकृति ही हमें सही शिक्षण देती है। लगता है कि कोई क्लास ले रहा है, हम सीख रहे हैं, वस्तुतः
प्रकृति पढ़ा रही होती है, प्रकृति पढ़ रही होती है। आत्मा अकर्ता है, चूंकि ईश्वर अकर्ता है, उसके हम अंश हैं, तो आत्मा भी अकर्ता है। तो जो भी शिक्षण प्रणाली होगी तो कर्ता संगिक संग ही करेंगे, प्रकृति ही होती है। यानी दूसरा कोई भी ध्यान को विकसित नहीं करता है सिवाय प्रकृति के, ऐसे देख। जो भी हम लोग आसन वगैरह करते हैं, आसनों की खोज कहाँ से हुई होगी? प्रकृति से हुई है। उपनिषद में कहा है, आसनानी तावंती यावत यो जीव जाते हैं। जितने जीव जंतु होते हैं उतने प्रकार के आसन होते हैं, उनका पोश्चर, उनका रिस्ट, आराम विश्राम करने की कौन सी अवस्था है जिसमें जाकर वह ईश्वरीय ऊर्जा से उत्प्रोत हो जाता है, चार्जिंग प्रोसेस में आता है। एते सामतुलान भेदान जानाति महेश्वर, इन सारे भेदों को सिर्फ एक ही शख्स जानता है, वह है शिव। तो 84 लाख योनियां कही गई, तो 84 लाख आसन तो सामान्य रूप से, और एक एक योनी में ढेर सारे आ जाते हैं स्पीसीज, योनियां तो जीनस हो गए, उसके अलग अलग आदमी में ही हम सबके आसन में भिन्नता आएगी। जो आपके लिए उचित है हमारे लिए हो सकता है अनुचित, जो ध्यान प्रणाली आपके लिए उचित है हो सकता है कि हमारे को सेट न करे। तो इन सारे भेदों को वो जानता है ठीक। तो मोटे अर्थों में 84 बना दिया, और आज का व्यस्त जीवन इतना हम लोग का है पैक्ड है कि एक एक मिनट भी एक आसन में लगाएं तो 24 मिनट खा जाएगा, है ना? बाकी का कैसे हो काम? अच्छा, तो देखा इन लोगों ने, ऋषियों ने एक एक जीव जंतु को दोस्ती करना शुरू करी। दोस्ती करने से क्या हुआ कि वो अपनी बात खुलकर कहने लगे, आदान प्रदान शुरू हो गया। मोल्स के पास जाकर बैठा, खेला कूदा। राजस्थान में हम गए थे इसके लिए, प्रकृति से सीखने पढ़ने आदमी जाता है, तो मोरों को देखा वहाँ घर घर में होता है, कितने पोश्चर से बैठता, टहनियों पर बैठता था तो चोंच आगे पीछे उसका पूंछ, और कुछ इस टाइप से फॉर्क की सो भी जाए तो गिरे नहीं, दाना चुगता था तो कुछ आगे वाला पोर्शन पीछे और पीछे ऊंचा, जिसे मगरासन कर दे थोड़ा कर पड़े तो पेट पर भार नहीं पड़ता था, खा लेता था। नाचने क्रम में दोनों ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर कर लेता था ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच आ जाती और मस्ती में नाच लेता था। इन पोश्चरों से करके देखा ऋषियों ने, हम भी उसी करके देखते हैं। वो सांप को भी खाकर पचा लेता है, हमारी भी जठराग्नि देखते हैं क्या होती है, थोड़ा दूध पीते हैं तो नहीं पचता, तो क्या करे, जठराग्नि बढ़ गई। प्रोफेसर कौन हुआ? कोई व्यक्ति नहीं, मोर हुआ। प्रकृति पढ़ाई है, मयूरासन हुआ, सर्पासन हुआ, हलासन हुआ, लतासन हुआ, जो भी हम देखते हैं यही क्रिएचर्स पढ़ाते हैं। कल हमारे सीनियर ने छंदोगोपनिषद का एक सूक्त बताया कि यहाँ हर कोई ध्यान कर रहा है, ध्यायतीव पृथ्वी, पृथ्वी भी ध्यान कर रही। अब समझिए, पृथ्वी यदि कोई जड़ वस्तु रहती तो ध्यान कैसे करेगी? क्रॉस क्वेश्चनर है। जैसे हम लोग आदमी लोग ध्यान कर रहे हैं, शिव जी ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ ध्यान कर रहा है, पृथ्वी भी ध्यान कर रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से कोई जड़ नहीं है। जड़ कैसे ध्यान करेगा? और एक दिन से नहीं, अनादिकाल से ध्यान कर रही। ऐसा कोई प्रोफेसर हमारा शिक्षक मिल जाए तो ध्यान की अंतिम कक्षा तक ले जाएगा। हम पढ़े हैं नेचर से,
ध्यान सीखे, उसको क्या उपलब्धि हुई? ध्यान उपलब्धि देता है, एक टेक्निक है, एक साइंस है, जिस साइंस का प्रयोग पूरे हर व्यक्ति हर जीव जंतु कर सकते हैं, करते हैं। और उसको क्या मिला उस टेक्निक से? पृथ्वी ध्यान की तो मिला क्या उसको? क्षमाशीलता, सहिष्णुता, इनर्सिया, एक बहुत बड़ा दैवी गुण है सहिष्णुता। सहिष्णुता समाश्रित्य मैत्री निर्वाहते सदा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, परिवार के साथ, नेचर के साथ हमेशा के लिए बनी रहे, यह तभी संभव है जबकि सहिष्णुता नामक डिवाइन शक्ति अपने भीतर आ जाए। वह सिर्फ हमें पृथ्वी बढ़ा सकती है। जल शीतलता, ध्यायन्ति आपो, जल भी ध्यान कर रहा है। क्या मिला? शीतलता मिल गई। हम पानी पीते पीते न जाने कितने टाइम पी गए होंगे, शीतलता नहीं आई। पानी पीना व्यर्थ गया, दोस्ती नहीं हुई, सीखा नहीं। प्रोफेसर आए, साथ भी रहे, गए भी, सीखा नहीं। ध्यायन्ति पर्वता, पर्वत भी ध्यान कर रहे हैं। एक हुए हैं ऐसे शिष्य जो कि गुरुओं में श्रेष्ठ बने, और वो कहें दत्तात्रेय। उनके एक भी प्रोफेसर शैक्षणिक नहीं थे, आश्चर्य। और मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग कोई टेक्निकल नहीं था, इतने पार्ट्स, इतने स्टेजेस, जैसे कुछ नहीं कहा। और 24 के 24 प्रोफेसर उनको ध्यान का क्लास ले ली। वाह, कमाल है। और वह छात्र एक दिन विश्व का सबसे बड़ा गुरु बना, दत्तात्रेय। सीखा, आश्चर्य करना हम सीखे, दोस्ती करना। ईश्वर प्रणधानानि, जब गॉड ओमनी प्रेजेंट हैं, हम ही बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, तो फिर आंख बंद क्यों? बाहर क्यों नहीं गॉड दिखता? कहीं ना कहीं प्रश्न है। इन जड़ जड़त्व में चेतनत्व क्यों नहीं दिखता? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ओम खं ब्रह्म, एक देशी रहता तब न ढूंढते। कबीरदास की यात्रा देखिए, साधो सहज समाधि वाले, आँख न मुदू, कान न रुदू, काया कष्ट न धारू, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारू, साधो सहज समाधि वाले। कहूँ सोई नाम, सुनू सोई सुमिरन, खाऊं सोई पूजा, गृह उद्यान एक समलेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधो सहज समाधि वाले। अभेद दर्शनम ज्ञानम, भेद दृष्टि क्यों? सूरज के लिए क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या वेस्टर्न, क्या इंडियन? हम सूर्यांशी हैं, शक्ति के पास क्या करें? ध्यान, अब ध्यान बड़ों के लिए सिर्फ रहता तो हम बच्चों को क्यों कहते हैं कि बच्चे फेल कर गया, कम नंबर आया, ध्यान देकर पढ़ो। ला मम्मी, ध्यान क्या होता है? ध्यान तो सिखाए नहीं और बोल दिया कि ध्यान देकर नहीं पढ़ता। अच्छा, रोड क्रॉस करना है, ध्यान देकर क्रॉस करना। ला ध्यान वहाँ भी जरूरत है, और ध्यान जहाँ आँख बंद के, आँख बंद के रोड क्रॉस करना, कितना बड़ा लग रहा है। अब बच्चा ध्यान देकर गाड़ी ड्राइव करना, ध्यान एक साइंस है, बस विज्ञान है जो सबके लिए जरूरी है। क्या पढ़ा, क्या न पढ़ा, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से, उस साइंस से हमें कंसंट्रेशन मिलेगा, एकाग्रता मिलेगी, मानसिक संतुलन मिलेगा, पेशेंस मिलेगा, थॉट प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ेगी, आईक्यू लेवल बढ़ेगा,
टेक्निक, वो तो बाद की बात है कि एकाग्रता बढ़ी तो खर्च कहाँ किया। चोर कर्म में जो लगे रहते हैं, चोरी कर्म में, उनको भी ध्यान की जरूरत है। कैसे पैकेटमारी करता है, पकड़ा जाता है, देख तो हमने आज तक पकड़ाए नहीं। वो तो बाद की बात है कि साइंस से कहाँ इम्प्लीमेंट किया। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, क्रिया के प्रतिक्रिया, वो तो बाद की चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं मेडिटेशन एक विचार प्रणाली की, सोचने की, मनन चिंतन की एक खास अवस्था आ रही, और वो सबसे बढ़िया टीचिंग हमें नेचर करती। हम भी जो कुछ भी सीखा है जीवन में, प्रकृति से सीखा। पुस्तकें, किताबें, ये भी तो प्रकृति है, कागज से बना है, कलम है, सिलाई है, वाणिया है, बैखरी, मध्यमा, परा, पश्यंती, सब तो प्रकृति है। इसके सिवा है कौन जो कि हमें टीच करेगा। अब प्रकृति बनी है भोग और मोक्ष देने के लिए। अरविंदो ने अपने पूरे योग को चार भाग में बांटा। शुद्ध शुद्ध कर दीजिए, अपने आप को रिफाइंड करें, ठीक, क्योंकि गॉड ओनली प्रेजेंट और प्योर है, शुद्ध। दूसरा मुक्ति, चिपकाव, एडहेशन, आशक्ति, आशा की कल बात आई थी। आशा ध्यान से भी बड़ा है, और बिना आशा का हम कोई चीज पा नहीं सकते जीवन में। लेकिन जिस चीज को छोड़ने की बात कही, वो आशा की नहीं, आशक्ति की बात कही गई। फलाशक्ति, चिपकाव, चिपकाव को हटाना, कहीं कोई से चिपक नहीं रहे। पूरे मैग्नेट को यदि हम ग्रिंड कर दें, बिल्कुल चूर्ण चूर्ण कर दें, चूर्ण नैनो पार्टिकल्स बना दें, फिर भी उसके नैनो पार्टिकल में दोनों पॉइंट रहेगा, नॉर्थ साउथ, अभी भी दोनों चिपक नहीं रहा है। ये देखिए, कणकण में ब्रह्म है, प्रकृति है, चिपक नहीं रहे, अपनी मूल सत्ता बनाए हुए, इसीलिए दोस्ती बनी रहती है। चिपकत्व में अधिकारत्व आता है। मैत्रेय ने जागवल से कहा कि ए ना हम ना मिटाम समान क्यों हम तेन कुर्व्याम, उस धन संपदा को हम लेकर क्या करें जो कि हमें अमृतत्व नहीं देता है। तो कहा कि अमृत प्रदान करने वाली तो एक ही विद्या है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा वारे श्रोतव्य, ध्यातव्य, निधिध्यास्तव्य। वही एक ध्यान करने योग्य है, वही एक मनन करने योग्य है, ठीक है। तो अब पृथ्वी ध्यान कर रही है, किसकी ध्यान कर रही है? आत्मा वारे ध्यातव्य, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। हमारे भीतर में जो पृथ्वीत्व है, जलत्व है, सूर्य में प्रणत्व है, अग्नि में तेजस्विता है, वायु में गतिशीलता है, आकाश में विशालता है, वह विशालता का उद्गम क्या है? सब खोज रहा है, उद्गम की तरफ जा रहा है, आत्मी की खोज में सब लगा। इससे हम सीखते हैं। और प्रकृति क्या करती है? हाईली एनाट्रोपी है। देखिए नेचर से हम पढ़े, हाईली एनाट्रोपी मतलब होता है कि आत्मिकी के ठीक विपरीत, इसका करंट टुवार्ड्स सेंटर से परिधि की तरफ जाने वाला, और एक है परिधि से केंद्र की तरफ जाने वाला। कश्यप ऋषि ऋग्वेद में एक रिसर्च किए हैं, साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट, जब चलते थे तो ग्रहण क्षेत्र हट जाते थे, इतना मैग्नेटिक फील्ड अधिक था। द्वा भीमऊ वातौ वात आशींदो अपरावत, संसार में दो तरह की हवाएं बह रही हैं। आप प्राणानापानन कह रहे हैं, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि दो तरह के चल रहे हैं, एक केंद्र की तरफ सिंधो अपरावत, और एक प्रति प्रसवन प्रति प्रसवन, ये दो धाराएं चल रही हैं। कैवल्य पाद के अंतिम में बताया है ना, इसको एक साथ हम कनेक्ट करके देखें,
डबल एरो कॉन्शसनेस वहाँ पर बनती है बात, प्रसन्न प्रतिप्रसन्न। दक्षमते अन्यवातो, यदि हम जा रहे हैं प्रतिप्रसन्न की तरफ, वहाँ प्रश्न जहाँ पर वह जहाँ से निकले हैं टुवार्ड सेंटर जा रहे हैं, तो क्या होता है, हमारी सामर्थ्य बढ़ती है, ब्रह्म तेज भीतर आता है, बढ़ता है। और यदि हम केंद्रकृत से परिधि की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी फायदा है। परान्यो आवातु यद रपह, जो खराबियां हैं उसको दूर करने के लिए जाता है। तो गति दोनों ही जरूरी हैं। ओमनीप्रेजेंट सत्ता से जब तक से हम साक्षात्कार रिजोनेंस नहीं स्थापित करेंगे तो अत्यंत शांति और अत्यंत आनंद के अधिकारी नहीं हो सकते। फ्रेंडशिप को भी पॉसिबल विटनिकल नेचर्स, वो सबके साथ दोस्ती करता है, हमको भय लग रहा है, अपने को डाइल्यूट नहीं कर पाए उतना, तो डाइल्यूशन की चरम सीमा है वो। तो ये सीखते हैं। अच्छा, तो यही क्रम था। एक और काम है उसका, माँ प्रकृति माँ, ठीक है, नेचर माँ, नेचर माने झील झरना तालाब नहीं, बुद्धि स्वभाव, इनका स्वभाव, इनका नेचर ऐसा है, यानी उनका पहाड़ झील झरना ऐसा ऐसा थोड़े, उसका जो स्वभाव है ठीक, उस अपने बुद्धि नामक प्रकृति से ब्रह्म ने ये सब कुछ उत्पन्न कर दिया ठीक। तो इसका उद्देश्य कुछ तो जरूर रखा होगा, कारण ठीक, कार्य का कारण होगा। तो ये कारण इसमें देखिए, एक तो भोग, सुख सुविधा, आनंद के लिए, क्योंकि वो आनंद में है, शांति में है, तो हर चीज़ पैदा करेगा आनंद और शांति के लिए। हमको इरिटेशन आ रहा है तो हमारी बला, लेकिन बनाए तो गया आनंद शांति के लिए। आर्ट ऑफ लिविंग नहीं मालूम है, जीने का तरीका नहीं मालूम है, शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, करंट लग रहा है, योगस्था कुरु कर्माणी, तब क्या दिक्कत। ब्रह्मणी अधाय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति यः सन्न लिप्यते पापेन पद्म पत्रं महांशः। संसार का कोई भी कर्म बंधन में नहीं डालता, बस काट दिया सीधे, ईशावास्य नैवे कुर्मण्येव कर्माणि, यह जब भी देगा तो हमें मोक्ष देगा, आनंद देगा, क्योंकि बनाया ही गया है मोक्षानंद के लिए। नहीं खेलने आ रहा है तो दोष दे देते हैं इसको कि प्रकृति बंधन में डालती, सारा यूनिवर्स बना दिया ब्रह्मांड ईश्वर ने, कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड बना दिया, तो उसको चलाने के लिए मैनुअल भी तो बनाया होगा, यूजर बुक, उसी को वेद कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, टेक्निक जान जाएंगे तो उसी के सब्सट्रैक्ट है गायत्री मंत्र। इस प्राण विद्या को हैंडल करने का तरीका क्या, सारी सृष्टि प्राण से बनी है, गायत्री वा इदम सर्वम, कोई देवी देवता नहीं, मूर्तियाँ बना दी जाती है मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग के लिए। सर्वापि प्रतिमा दृश्यम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, जितनी भी मूर्तियाँ हैं सारी खुली किताबें हैं, माध्यम न चेजस्याचो, जिसके माध्यम से हम जीवनस यात्र दर्शनम, अध्यात्म के गुड़ फिलोसफियों को समझते हैं। शिव मंदिरों में हम लोग जाते हैं, आश्चर्य करें, प्रकृति में हर गांव में बनाया हुआ शिव जी का फोटो कुछ और रहता है, और वहाँ मंदिरों में कुछ और दिखते हैं, है ना, आश्चर्य करनी चाहिए, ये क्या बना दिया, एक नीचे ट्रेंगुलर, ऊपर से एक और ओभेट डाल दिए, ज्योतिर्लिंग, तीन गो टांग, ऊपर कलश, बुन बुन टपका दिया, स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, हर कोई लोगों को नीचे पढ़ाया जाता है। जो ट्रेंगल है नीचे वह मूलाधार का सिंबल है, लिंग वेदी उमा देवी, लिंगम साक्षात महेश्वर, और ज्योतिर्लिंग बना दिया गया ऊपर से, सहस्रार का सिंबल बना दिया, प्रकाश ज्योतिर, दोनों को यदि मिलाया जाए मूलाधार सहस्रार, तो ऐसा ही सिंबल बनेगा कि नहीं, जैसे ज्योतिर्लिंग में बनता है वहाँ शिव मंदिरों में। अब देखिए, तीन टांग से रुद्राभिषेक कर दिया, एक ईड़ा, एक पिंगला, एक सुषुम्ना, चार टांग नहीं, नहीं चार टांग में बढ़िया मजबूत रहेगा, नहीं तीन टांग बनाना होगा, तो पढ़ाना है ना, मेथड मोड ऑफ टीचिंग है, होता सहस्रार कमल से, यानी जब भी ऊर्ध्वगमन होगा तो ज्ञान के द्वारा हो सकता है।
ज्ञानान मुक्ति, बस टेक्निक क्या हो, याग तप, याग व्रत तपोदान विधि विधान संकल्प एवं बंधा है। जहाँ किसी टेक्निक के बांध दिए तो बंधन हो गया हो। यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थ, तदुक्षति पुरुषार्थ, चाहे जिस किसी भी तरीके से यथा अभिमत ध्यानाद्वा वो छोड़ दिया। हर व्यक्ति के निचर के आधार पर प्रकृति सीखता है। प्रकृति क्या करेगी, जहाँ जहाँ चलेंगे पिता के नियमों के खिलाफ, ईश्वर का मंश है तो ईश्वर का डीएनए होगा, जो जो गुण ईश्वर में वो जरूर होगा। आत्मा यदि उसका हम अंश हैं तो सारे के सारे गुण होंगे ही बीज रूप में। अहम ब्रह्मास्मि बोल दिए और उसका गुण दिख नहीं रहा, बीणी पीते चल रहे, अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया, ठीक। तो वो अद्वितीय है, समझ सकते हैं, युक्त है, आदि अंत रहित, मेरा बाप है, जिसके हम अंश हैं, जिसके हम डीएनए हैं, वो क्या है, अद्वितीय है, समझ सकते हैं, युक्त, आदि अंत रहित, शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्गुण, अवर्णनीय, चैतन्य। ये सारा डीएनए गया होगा अपने भीतर। अनायम भूतवा भवितावना, न कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं, तो अनादि है हमारे पास, डेवलप नहीं किया यानी सीड रूप में है। डेवलप करेंगे तो प्रतिगानी चाहिए, तो जहाँ डेवलप नहीं, तो माँ का भी तो ड्यूटी होता है, बचपन से पढ़ाती है, तो प्रकृति हो गई पाठशाला। जहाँ चलते हैं इसके नियमों के विरुद्ध तो झटके देती है, रंग लाती है हिन्ना। पत्थर पे घिस जाने के बाद सुरखुरु होता है, ठोकरे खाने के बाद, रास्ता में चल रहे हैं कहीं एक ठोकर आ जाता है, घर में से बाहर निकलते समय ठोकर, तो आदमी ध्यान नहीं देता है, कुछ होगा ठोकर। कल भी जा रहे फिर वही ठोकर लगा, अरे कुछ, तीसरी बार फिर ठोकर, अब देखेगा ही आदमी, जरूर है कि देखेगा, कि बार बार ही कहा ठोकर लगता है। तो प्रकृति भी यही करती है, हमें बुद्धत्व देने के लिए बार बार ठोकर मार देती, कि जैसा बाप है उसका डीएनए, तुम्हें डीएनए ऐसा क्यों नहीं है, तो ऐसा बन, तो ठोकर देती है। तो वहीं पर हमें ध्यान की जरूरत, पूछे उसको, उसके बारे में सोचा जाए, किया जाए कि क्या शिक्षक टीच कर रही है, तो हम पा लेंगे। तो इसमें तत्र प्रत्येकतानता, प्रत्यय को हम चित भी ले सकते हैं, या प्रत्यय भी तो ले सकते हैं, कि जहाँ भी ध्यान गया उसमें एक प्रत्यय काम कर रहा है, ईश्वर दौड़ लगा रहा है। संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक चैतन्य धारा दौड़ रही है, उसके साथ ट्यूनिंग रेजिनेंस स्थापित कर लिया। तत्र जहाँ दृष्टि गई वहाँ जो सब प्रत्यय दौड़ लगा रहा है, समष्टि चेतना, उसके साथ रेजिनेंस स्थापित कर लें, यह भी अंतर्मुखी है। व्यक्ति को देखे, बहिर्मुखी इंद्रियां देखे, लेकिन यदि देखते हुए उसके अंतर को देख लिया, आत्मा को, तो हम कहेंगे कि अंतर्मुखी साधना कर रहा, ओमनी प्रेजेंट है, कहीं पा लेंगे। पत्थर के भीतर न्यूक्लियस में कौन सोया है, अणो रणियान महतो महियान आत्मा गुहायाम निहतो सृजंत तम मकृत उपस्थिति विद सुखो धातु प्रसादान महिमान अमीशम। इस कृपा से वो अकर्ता ईश्वर को, यह कर्ता देख लेता है, जो कि नैनो पार्टिकल में एटम के न्यूक्लियस में बैठ करके वही सारे सिस्टम को चला रहा है, और सारे यूनिवर्स के अनेकों ब्रह्मांडों को भी वही बड़े केंद्र बनकर के भी चला रहा है, छोटा सा वायरस। तो आत्मा की साधना कर रहे हैं तो आत्मा के हर जगह बिखरी। तो एक तो ये थी कि टीच, हम भी प्रकृति से शिक्षण लिए, क्योंकि पुरुष में कोई था नहीं बताने वाला, बाहर के गुरुओं की तभी तक जरूरत है जब तक हम भीतर की आवाज़ सुनना नहीं शुरू कर देते। वो टेक्निक पार किए रहते हैं तो तरीका बता देता है, कहाँ गियर फंसी है तैसे निकल जाओ। शरीर में इतने रोग हो गए, प्रकृति देखे क्या, खान पान का संयम नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ तालबद्ध नहीं चल रहे थे उधर। जिन नियमों पर प्रकृति अपनी प्रांजलता बनाए हुए है, चल पर, उस पर हम नहीं चलते, सिस्टम में नहीं थे, तो क्या हुआ, ठोकरे लगाए थे रोग दुख करु में। गायत्री महामंत्र का यह अक्षर हमें आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री मंत्र यूनिवर्सल आर्ट ऑफ लिविंग है, किस तरह से जिए कि हमको यूनिवर्सल में हर जगह ईश्वर
से रेजिडेंस स्थापित हो जाए। नियम है न्यशंते ये नरह पादान, प्रकृति आज्ञानुसारता, जो मनुष्य प्रकृति के आज्ञानुसार अपने चरणों को रखते हैं, कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, प्रकृति खान पान रहन सहन सोच स्वस्था संतस्तुते नूनम, वे निश्चित रूप से स्वस्थ होते हुए रोगमुक्त होते हुए धीरे धीरे एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। खान पान का संयम नहीं था, हमें भी शरीर में सारे रोग हो गए, सब जितना आपका आप तो सब योगी बैठे हैं, गांव में जितना रोग रहता है सब अकेले आ गया हमें, डॉक्टर कहे कि अब बस ईश्वर के भरोसे आपका है जीवन, ध्यान काम किया वहाँ, कौन पढ़ाया, रोग दुख पढ़ाया, खान पान का संयम पढ़ाया कि अब हम, अब ईश्वर भरोसे है तो इस हालत से भी लौटा जा सकता है क्या, तो ये मंत्र टीच कर दिया। अच्छा, प्रकृति के अनुसार खान पान रख के अब देखते हैं, एक बार में सडन बहादुर आदमी एक बार में सडन चेंज कर देता है, भोजन बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल आहार शुद्ध हो चित्त विशुद्धि भवति स्वतः, उपनिषद हमारा शुरू से अध्ययन का विषय रहा, क्योंकि विवेकानंद आदर्श थे, तो विवेकानंद का था कि जिस दिन उपनिषद नहीं पढ़ता हूँ तो आँखों में ये लगता है कि मैं एक भूख जगी है और पढ़ता हूँ तो आंसू आने लगते हैं, इतना यह उत्कृष्ट ज्ञान है, सारे युवाओं को इसको अध्ययन करनी चाहिए, और जब भी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा तो अध्यात्म से मिलेगा, और उसकी गंगोत्री उपनिषद है, यही शुरू से मुख्य विषय रखा कि आत्मिकी क्या है, यदि यात्रा हमारी आत्मिकी है तो वो रखा, नौकरी मिल गई स्वावलंबन था है, बाल बच्चे परिवार हो गए उतना तक तो है, बेसिक नीड तो जरूरी है, बेसिक नीड्स के बाद आता है जैसे ट्रेंगिल हम बनावें, ट्रेंगिल नीचे बेस चौड़ा होगा, ऊपर छोर पॉइंटेड है, नीचे बेस चौड़ा यानी बेसिक नीड शुरू में बहुत रहता है, बस उसको हमें फुलफिल किए बिना ऊपर नहीं उठ सकते। तो आज के विवेकानंदों को चाहिए कि स्वावलंबी बने, गृहस्थ आश्रम बसा करके घर परिवार को हम संतुलित रखें, यानी बल विद्या संस्कार ब्रह्मचर्य में सीखा तो उसको हम एक्सपेंड करें समाज में, उसको देखते हैं एक आधार बेस बना लिए, ठीक, जैसे ही ये अपना आधार मजबूत करते हैं तो अब देखिए एक बीच वाला आता है फेज, उसको बोलते हैं इमोशनल नीड, सेक्स इंजॉय हैप्पीनेस मटरगस्ती लोकेशना जस प्रतिष्ठा वाह जय घोष जयकारी, ये जस प्रतिष्ठा बढ़े, ये इमोशनल नीड आती है, धन कोई कमा लिया धनी बन गए, कोई प्रणाम नहीं कर रहे, लगता है सुसाइड करना बढ़िया, विश्व के सबसे बड़े धनी बन गए सर बन गए, आप चल भी रहे हैं कोई पढ़ा में करने वाला ना, तो इतने बड़े विद्वान बन गए कोई नमन नहीं कर रहा, एक नीड्स जगती है इमोशनल नीड, और यह जब पूरी हो जाती है थक जाता है को अभी भी आत्यंतिक तब स्पिरिचुअल नीड आती, वेस्टर्न के बच्चे आज थोड़ी सी आ रहे हैं तो स्वाभाविक प्रगति है, शुरू में बेसिक नीड पूरा किए फिर इमोशनल नीड में फंस किए फिर उसके बाद स्वतः ही स्पिरिचुअल नीड आएगा ही, हमारी जो ब्रह्मचर्य की शक्ति थी वो दमित ब्रह्मचर्य थी, इसलिए हमारा इमोशनल नीड पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए साफ जाहिर है कि उस क्रम में हम भी, अब प्रकृति के यहाँ कुछ भी नहीं होता, और जो भी भर्तरी कहाँ श्रृंगार शतक, और वही भर्तरी कहाँ वैराग्य शतक, वही रत्नाकर पूर्वार्थ में कहाँ दस्यु डाकू अपराधी उग्रवादी आतंकवादी, और वही उत्तरार्ध ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, कहाँ उंगली माल कहाँ बौद्ध भिक्षु कहाँ खून खचर करने वाला अशोक कहाँ अशोका द ग्रेट, कहाँ कामुक तुलाराम और कहाँ इंद्रियों का स्वामी गोस्वामी तुलसी, ब्लड ग्रुप तो नहीं चेंज किया, कुछ चेंज किया है, और वो उसकी खुद की चेतना की प्रांजलता आती है, तो वो लग गए तो धीरे धीरे रोग दुख ठीक होने लगा। अच्छा, और ये पढ़ा कि फिर साधना क्या होनी चाहिए, प्राण विद्या है, तो इसके ग्रंथों को जब देखा निकाल करके सारे इंडियन फिलॉसफी को सब एक बार ही देख गए मार दी, 8 साल खूब अध्ययन किए वेदों को उपनिषदों को भारतीय दर्शनों को कि अध्यात्म का और छोर क्या है, छुएंगे नहीं आर पार, बस नर्सरी टू पीएचडी आज के तारीख में,
और प्रैक्टिकली चूंकि साइंस बैकग्राउंड था तो हम तो थ्योरी पर विश्वास करेंगे जब तक से खुद लंबा प्रैक्टिकल ना किया जाए। प्रूव किए तो सारे गियर हटते गए, नई अनुभूतियाँ आती, जैसे पंच तत्वों का हमारा बाहर का पसारा है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, अपरा से जो बन गया जड़ तत्व, परा संचालन करती है। अब देखिए इस फिजिकल बॉडी में वायु खंग, वायु रमृतम अथेदम भस्मांतकम शरीरम, ये पांच तत्व है, इसमें एक आत्म तत्व भी घुला हुआ। तो जो कोई व्यक्ति मर रहा, ठीक है, मरा तो इसमें से कुछ निकला, वो निकला वो विजिबल नहीं था, वो कैसा क्या स्वरूप था, वो भी फाइव लेयर था, और उस फाइव लेयर को हम देख नहीं पा रहे, बायोप्लाज्मिक बॉडी को हम नहीं देख पाते, बायो इलेक्ट्रिक बॉडी को नहीं देखते, बायो मैग्नेटिक बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है, कॉजल बॉडी है, इनको हम नहीं देख पा रहे। और इसके भीतरी तह में अपनी आत्म चेतना अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, मन कोई पॉइंट नहीं कि चिमटा लिया को मन पकड़ लिया निकालो इसके, ये ऐसा नहीं है कोई चिमटा। आकाश जहाँ तक है इनफाइनाइट, वहाँ तक उसके भीतर में और भी डाइल्यूट अवस्था में मन घुला हुआ है। वो तो बॉडी ने कुछ नर्वस सिस्टम ऐसा है जिसके क्रिस्टल्स के द्वारा उसको हम फील करते हैं, बस अवतरित होता है इस पर। यदि यह रहता है तो मनोमय कोश बायोमैग्नेटिक फील्ड आभा मंडल होता है ना, आभा मंडल बॉडी से बाहर तक, उसका नाप सामान्य आदमी में भी 35 से 45 सेंटीमीटर तक होता है, जाएंगे किरण फोटोग्राफी के सामने तो आभा मंडल आ जाता, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस पर कैसे कमांड करें, कॉस्मिक बॉडी दूर दूर तक इमोशन काम करता है, विश्व में कहीं भी किसी कोने पर कहीं होता है घटना, ताप रोते हैं, इसका मतलब कि आपका बॉडी इतना ही नहीं है, जहाँ तक गांव में किसी व्यक्ति को कुछ हुआ था आपको कष्ट आता है। एड़ी यहाँ पर कांटा चुभ है, आँख आंसू बहाता है, वो कहे कि हमको क्या गरज पड़ी, तू कांटा चुभा है तू रो, हम नहीं रोएंगे तू रो, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, देख रहे सब आकाशवत है, आकाश के भीतर शुरू हो गई यात्रा, आकाश के भीतर आकाश के भीतर आकाश के भीतर आकाश है, उधर आकाश की यात्रा है। इस बाह्य आकाश में एक और आकाश घुला है जिसको मन कहते हैं, उसकी विशेषता है कि विचारों के तरंगे निकालते रहता है, और विचारों की वेलोसिटी है प्रति सेकंड 22,65,000 माइल, समझिए, इसलिए कंट्रोल में नहीं आता। और उसका एक और स्वभाव है एडिक्शन, चिपकने वाला, जहां जाता है चिपक कर कुछ से कुछ न कुछ आदान प्रदान शुरू कर देता, वो जरूरी है, बना ही गया इसके लिए कि सुख ढूंढो इसमें सुख के लिए, ठीक है। आकाश से भी पतला एक और आकाश है बुद्धि, यहीं से नहीं पैदा हुआ, कहीं रास्ते में जाएंगे तो आ गया एक उपाय, आ गया, कौन दे दिया, हर जगह है स्पेस में बुद्धि गुला, बोपदेव को किसने पढ़ाया था, हमने नहीं, किसी शैक्षणिक ने नहीं, क्लास में तो फेल करता था बोपदेव लड़का, और नेचर में गया था जा कुआं पर, सोचा था कि डूबेंगे मुएंगे सुसाइड करेंगे कूद के मरना, पानी भरने वाली आई बाल्टी से पानी खींच रही थी, रस्सी आते जाते देखकर पत्थर भी घिस गया था, जो धार पड़ गई थी गहरे गड्ढे और कटाव आ गया था उस पर, एक सोचने लगा लंबे समय तक, वो ध्यान कहलाया वहाँ, अरे ये घिस सकता है पत्थर ही, कितना कोमल पत्थर घिस सकता है, तो हम जड़ बुद्धि मेहनत करके हम ही क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, और लग गया पढ़ लिया व्याकरण, विश्व का चोटी का बन गया। आइंस्टाइन अपने क्लास में सबसे डलेस्ट स्टूडेंट थे, पिछले लाइन वाले ने डल लिखकर पीठ पर चपका दिया, दिन भर डल डल घूम रहा था लड़के, ताली पीट देते कि डल हैं तो डल हैं, हम भी मेहनत करेंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे, अभिरुचि बढ़ाएंगे और लेबरियस मेहनत करेंगे, तीनों जोड़ दिया क्रम, विश्व का फादर ऑफ फिजिक्स बन गए, सबको नेचर ने पढ़ाया। न्यूटन का सिद्धांत किसने दिया, नेचर ने दिया है, पढ़ने मन नहीं लगा था, भाग भाग के जाकर बगीचा में बैठता था, रोज एक दिन आश्चर्य किया, आश्चर्य से मिल जाता है, हाई वो एक उपनिषद, हाई वो यूरेक का पा लिया आश्चर्य, देखा फल नीचे ही क्यों गिरा, रोज तक गिरता होगा,
उसी एक दिन खाली थोड़े नीचे गिरा था। किसी चीज को हम बार बार देखते हैं तो रोज प्रश्न नहीं उभरेगा, किसी खास दिन किसी खास बिंदु पर प्रश्न उभर जाता है और उसमें सोचने लगा तो पा लिया, सत्य को पा लिया। बहुत सारे फॉर्मूला ढूंढ दिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ढूंढ लिया, सब पाया, प्रकृति से पढ़ा, प्रकृति सबसे बड़ी पाठशाला पढ़ा हमने भी। अन्नमय कोष, बायोप्लाज्मिक बॉडी को साफ करने, कुंडलिनी। अच्छा, एक और भी शब्द मिलता है, आश्चर्य करिए, हम लोग जो पढ़ते हैं स्टडी करते हैं, स्वाध्याय, अध्ययन मनन चिंतन, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी भी और स्वयं अध्ययनम दोनों के लिए आता है। गीता हम पढ़ रहे हों, आपके जो ग्रंथ जो आपके पाठ्यपुस्तकें हैं उसमें पढ़े, उसमें हम कहाँ हैं, खड़ा होकर देखेंगे, कंपरेटिव स्टडी चल पड़ेगा, स्वयं अध्ययन खुद प्रैक्टिकल करके देखें, अपनी अनुभूतियाँ जुड़ जाएगी और अनुभवों का संकलन, व्यक्तित्व कमाल है, जीवन है। और उसमें प्रैक्टिकल्स में लगने, बायोप्लाज्मिक बॉडी का प्रैक्टिकल्स, कुंडलिनी, कुंडलिनी हर जगह एक सिस्टम में गोल गोल, अब देखिए पूरे यूनिवर्स गोल गोल घूमता है। पृथ्वी कहाँ टंगी है भाई साहब, कहाँ टंगी है पृथ्वी साज, पृथ्वी टंगी है कहाँ से, सांप के वो शेष नाग पर टंगी है। अब तो फोटो लेते तो आता चाहिए था सांप और साथ में टंगे टंगे, फोटोग्राफी में 7,000 टंगे टंगे सांप नहीं आ रहा, तो क्या सारे पुराण गलत है? नहीं, मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग है। कुछ पहेलियों में बात करने की ऋषियों की एक शैली थी, अटपटा अलंकार, अटपटे अलंकार में। अब क्वालवत अब क्या टिकी है, हाँ एक तो बात लग रहा है कि सारा यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल पार्टिकल्स हैं, भौतिक तारे ग्रह नक्षत्र जो भी आकाश में उड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, सब एक स्पाइरल मूवमेंट पर टिके। स्पाइरल मूवमेंट को हम सर्प कहें तो क्या दिक्कत है, सेंट्रीप्यूगल सेंट्रीप्यूटल फोर्स सब खींच रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है हर जगह। तो जहाँ भी हम कोई पैक देते हैं तो पांचों बॉडीज को हम एक कुंड मान सकते हैं, सारे चक्र भी कुंड है, कुंड में दबी पड़ी अग्नि कुंडलिनी, उसको हम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रति जागृही, एक ग्लावर ऋषि ने रिसर्च किया है एक मंदिर वेद में, उद्बुद्ध करें। उसी कठोपनिषद में विवेकानंद उसी को आदर्श वाक्य बना दी, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानी बोधत, उठो, क्या उठो, उठाओ सोए हुए प्राण को, जगाओ प्रबुद्ध करो और वहाँ पहुँचो जहाँ के लिए यह बना है पहुँचाने के लिए। वरानी बोधता, वर क्या है, एक ही है श्रेष्ठ आत्मतत्व परमात्म, यही है, यही दुल्हा है सर, वहाँ तक ले जाओ पहुँचो, एक एक टिकनों को कुंडलिनी में, कुंड अन्नमय कोष फिजिकल बॉडी को कुंडलिनी, कुंड समझ सकते हैं, इसके दबी पड़ी अग्नि कुंडलिनी का एक आग है, नाम है पांच बॉडी तो पांच आग, हर बॉडी सेल के पार्टिकल्स में डीएनए भी के पार्टिकल में जो बिजली कण है वहाँ भी कुंडली उसको चला रहा, हर पार्टिकल्स में उसको जगह में। फिजिकल फिटनेस ये जगेगी तो अन्नमय कोष को जगाने के लिए उद्बुद्ध किया, आसन उपवास तत्सुरी तपस्या शुरू कर दिया, ठीक है तप भी है ना, तो देखा कि सचमुच में आग लपटें उठ ली, प्राणाग्नि, अब प्राणाग्नि की लपटें उठती है तो जीवन भर के लिए रोग खत्म हो जाएगा, हमारा भी खत्म हो गया, सारा रोग खत्म हो गया, होल लाइफ नहीं होगा बिल्कुल गारंटी, इसमें महात्मा बनने कोई बात नहीं, वो तो प्रकृति का कि नियम है तो साइंस है इसमें कि उसका गुण है, गुणा गुणे से वर्तनता, वो आग जब रहेगी तो आग का काम है रोगों को जला देते हैं, कुंडली जगते तो रोग भस्म हो जाते हैं, ये पहचान है। और उम्र बढ़ जाएगी, जब तक जिएंगे युवा बने रहेंगे, लगता था कि रिटायरमेंट के बाद आदमी को मरने का दिन गिनना होता है, लेकिन देखे कि यूथ रिवर्स गियर में चल रहा है, यानी जो कुछ भी लिखा है वो कम लिखा है उससे अधिक मिल रहा है, अपना ही क्षमता कम पड़ रही, उदार लुटाती है प्रकृति, बटोरना है लुटना है। और भी देखा कि आगे चल करके ये आग अग्नि ना अग्नि समझते, एक दिन वाक्य आया था अपने एक मित्र सीनियर, अग्नि ना अग्नि समझते, अग्नि से अग्नि और आत्मा से आत्मा प्रदीप्त होती, एक आग दूसरी आग को जलाएगा। गए थे बेंगलोर में तो इसरो के साइंटिस्ट बैठे थे वहाँ पर क्लास ले रहे थे, तो उनसे हमने पूछा कि हम लोग नहीं सेटेलाइट उड़ता है तो उसमें अलग अलग सेल में
ईंधन भरे रहते हैं, एक एक जगह तो दूसरा उसको आग लगाता है, देखते हैं कि दूसरा से तो तालियां पीटते हैं सब वैज्ञानिक, क्या होता है, हम लोग तो केवल टीवी में देख पाते हैं। तो सब में अलग अलग ईंधन है कि एक ही वैराइटी का, कहा कि सबके ईंधन की क्वालिटी अलग अलग है। तो एक डिजाइनिंग का जब है तो यह ईंधन उसको जगाएगा, यानी प्राणाग्नि हमारे इथरिक बॉडी की आग को जलाएगा और वो जीवनी शक्ति है, जीवाग्नि है, इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की ताकत है। वो नहीं रहेगी तो हम लोग आगे नहीं उठ सकते, और भी चट्टान है। और जीवाग्नि यदि प्रखर हो गई तो ऊपर वाली जोगाग्नि को फिलियर करेगी, मनोमय कोष को, हमारे माइंड वाले लेवल को, एकाग्रता को, पेशेंस को, सब बढ़ा देती। तो भीतर से भीतर ये सारे बॉडीज हैं, और वैसा नहीं कि इतना किलोमीटर के बाद या इतना डिस्टेंस, सब अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर हर जगह है। ये सातों लोग हर जगह हैं, हर जगह हैं, केवल अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है उनका, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जैसे अपने को सूक्ष्म करते जाएंगे, यहीं से यहीं ब्रह्मलीन को पाते जाएंगे, और हर सूक्ष्मता एक अलग आनंद और शांति को देता है। तो ये प्रकृति से हमने सीखा और गए थे, अर्थात प्राण इम्यून सिस्टम। बात बात में हमको साइनस नहीं, साइनस में हो जाता होगा अब लोग, जिससे जुकाम सर्दी या एलर्जी खूब हो जाता था, तो सर्दी वगैरह से नाक ये सब सड़ गए थे, हड्डियाँ अपना ही गंध दे रहा था अपनी, अब किसको डांटे, अपना ही हड्डी सड़कर दुर्गंध दे रही थी। और कॉलेज लाइफ में थे, और वहाँ से फिर क्या हो कि कैसे क्या करें, बात बात में गर्मी के सीजन में भी पानी पीना पड़ता था गर्म गर्म, गर्मी के सीजन बराबर इससे दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स और कमज़ोर कर दिए। तो एक दिन पढ़ते पढ़ते प्रकृति कैसे पढ़ाती, देखें जुनून है, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो माँ का काम है दौड़ दौड़ करके संसाधन जुटाना। एक किताब हाथ में आ गया और ये पुरुष सूक्त आ गया, वेद का पुरुष सूक्त, बसंतो आसिदाज्यम ग्रीष्म इध्म शरद हवि। जो कोल्ड एनर्जी है वही हवि है, भोजन है नेचर का, जो कि उसको बुढ़ापा को जीवन जमाने में, आज ठूठ पेड़ भी बसंत ऋतु में कैसे हरे भरे हो गए, पनगियां निकल गई। एक एक ऋषि लोग फ्रिजीकरण करने जाते थे तो उसमें से 50 वर्ष उम्र बढ़ा लेते थे फ्रिजीकरण के प्रोसेस से। और तो सोचा कि अरे जब सर्दी भीतर में है और रोग का कारण है, तो हम सर्दी को बाहर क्यों निकालें, इसको हम ईंधन क्यों नहीं बना लें, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ कोल्ड एनर्जी क्यों नहीं कर लें, कमाल की बात, फेंके क्यों, ईंधन बना लेते हैं। अब कैसे ईंधन बनाएं, कोल्ड एनर्जी को खाएगा कौन, प्रकृति से पूछने लगे, नेचर पढ़ाओ, माँ हो बताओ क्या कर। एक हाथ फिर आ गया उनसे, सूर्य भेदन प्राणायाम, जब प्राणायाम को इसका कर रहे थे प्रैक्टिकल, शीत ऋतु को खाया जाता है इसे, अरे और क्या उसमें मिल गया, जो कुंडली उपनिषद है उसमें कुंडली जागरण के लिए टेक्निक्स बताएं, उसमें एक मिल गया था दक्ष नाड़िया समाकृष्टियम पवनम बहनाई सनाई, दाहिने नाड़ी से श्वास को खींचें, कुंडली तक ले जाएं, कुंभक करें और वार्म अप होगा, रेचे दिड़िया तथा ईड़ा से फिर रिचन करें, पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्य भेदनम उदाहरितम, रिपीट एंड रिपीट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सूर्य भेदन। हमने उसको प्रयोग करके देखा, अरे देखा करे साइनस भागने लगा, रोग ठीक होने लगा, सर्दी जुकाम भागने लगा, एनर्जी एलर्जी भी खत्म होने लगी। और इतना करते करते गए और थोड़ा सा डाइटरी सप्लीमेंट ठीक रख लेते, मूंग के दाल टमाटर, मूंग के दाल टमाटर, मूंग के दाल के मौदगल से जीवन बिता दिया था, उसे भी आश्चर्य किए इन्हीं लोग से कथा कहानी इस पर, हम भी प्रयोग करके देखते हैं। अपने मन से टमाटर जोड़ दिए, 2 साल तक ही करते रहे, नाड़ियाँ इतनी गर्म हो गई, इतना गर्म हो गया 104 डिग्री टेम्परेचर, और बुखार नहीं था हमको, नहीं लगता बुखार में आदमी बेहोश होता है, लेकिन हम बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री था। तब उस समय कोई एक प्रश्न पूछ आ गया हमारे पास, कोई प्रश्न पूछने, तो हम उसी अवस्था में उसको उत्तर दे रहे थे, लेकिन ये लग रहा था कि सही उत्तर दे रहा है उस हालत में ब्रेन। तो हमको ठंडाने के लिए 15 दिन लग गया, हर 5 घंटा पर नहाते थे फिर, और उसके बाद नाड़ियाँ इतनी फिर हो गई काम कि पूरा DNA चेंज कर दिया, यानी प्राणायाम वगैरह के प्रोसेस है, इससे हम DNA को भी चेंज किया जा सकता, जो रोग दुख हेरिडिटरी आ रहे हैं उसको भी अगली जनरेशन को हम चाहें तो रोक सकते हैं ना जाए, क्योंकि यही उसकी लास्ट जर्नी हो, क्योंकि सब प्राण के पार्टिकल्स जो कुछ देख रहे हैं सब प्राण, प्राण इदम गायत्री वैदम सर्वम, सब कुछ प्राण का ही रूपांतरण, प्राण ही
प्रांजल अवस्था मृतम्भरा प्रज्ञा कहलाता, उसी से महत बनते अहंकार बनना, मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियाँ कर्मेंद्रियाँ तन्मात्राएँ सब प्राण के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। बस इसकी केमिस्ट्री जान लेंगे हम लोग तो ध्यान नर्सरी क्लास हो जाएगा। फिर विज्ञानम वाव ध्यानाद वरिष्ठम श्रेष्ठम, ध्यान से भी श्रेष्ठ विज्ञान है। खोजने की तब ना जरूरत पड़ रही है जब उसकी केमिस्ट्री नहीं जानते, और उसकी यदि हम केमिस्ट्री जान जाए तो ध्यान निचला क्लास हो जाता है। मनोमय कोष इसकी प्रांजल आती, फिर ऊपर से सारी की सारी सृष्टि में आ गए आत्मा, आत्मिक स्तर ले रहता है, विज्ञान में कोष आने लगता है, मनोमय पर विज्ञान में। तो यह है, लेकिन हर जगह हमें ये जो है बेस क्रमशः अवस्थाएँ आती जाएगी, तो हम क्या करनी है कि प्रकृति से हमें पढ़ना सीखना और मनोमय कोष के प्रांजल करके हम देखा कि जो तीर बौछार आते थे बाण, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के रे जाते हैं, तरंगे आती हैं, इसको कहा जाता है आपति किरण वेव्स। मान लीजिए कि दिव्यास्त्र आ रहा है, वो आ रहा है कोई, तो हम कैसे काटें, तो रेज को रेज से काटें। ये कहाँ से सीख लिया, कैसे काटा जाए, तो योग दर्शन हम पढ़ रहे देखे तो उसमें एक एक, एक, एक सूत्र हमको ठोकर मार दिया। क्या ठोकर मार दिया, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भवन, काटना है तो ठीक उल्टा वाला प्रहार करें, क्रोध को काटना है तो शांति के वेव फेंक दें, अशक्ति वाला आ रहा है तो वैराग्य के रेसे काट दें, वैराग्य हो रहा है तो अरागात्मक वेव से उसके साथ प्रेम बढ़ा लें, कोई कब बदसूरत है तो प्रेम का तो अधिकारी है, खूबसूरत तो अच्छे लग, लेकिन बदसूरती से कौन, ईश्वर सब जगह ओमनीप्रेजेंट सत्ता कण कण में देखें। रोज ध्यान गंगा जी में जाकर लगाते थे, एक दिन किया देखे प्रकृति में खोए रहते थे, उसका एंजॉय लेते थे, पौधों से बात करना, इनसे बात करना, हवाओं का आपका विस्तार कहाँ सा है, आप कहाँ चलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ये जीव जंतु गोमुखी यात्रा में तो पत्थरों से चट्टानों से बात करेंगे तो ह्यूमन बींग की तरह व्यवहार करते थे सर। पहाड़ भड़क रहा था, लोगों को मत जाइए उधर, क्योंकि ग्लेशियर के बाद आगे मना कर दिया है कि उधर आप मनुष्य का जाना वर्जित है, और सचमुच में बर्फ गिरा हुआ था, रास्ता सूझ नहीं रहा था, अकेले जाना था, चल पड़े, इतने सारे फ्रेंड हैं, ग्लेशियर हमारा फ्रेंड है, उसको हम क्यों माने कि हमारे लिए मृत्यु कारण बने। निकल पड़े तो भीतर बातचीत करने लगा, रास्ता भूल गए, नीचे था गोमुख, चले गए ऊपरी छेड़ पर, तो क्या हुआ कि एक पहाड़, हम सोच रहे थे वहाँ कैसे पहुँचे, तो एक पहाड़ का बड़ा सा रॉक का टुकड़ा था मिट्टी में, वो लुढ़क पड़ा, हमको लिए दिए, और लुढ़कते लुढ़कते हमको लिए दिए, पहुँच गया मुहाना तक, ये भगवान, और कहीं खरोंच नहीं आई, कितने फ्रेंड की तरह, हमारा सारे शरीर नट बोल्ट लगे हुए हैं, ट्रैक्टर चढ़ गया था बड़ी पर, आर पार दो बार गए, तो उसमें छड़ी लेकर गए थे, तो छड़ी छूट गया अलग, हम पहुँच गया अलग, आहा हमारा फ्रेंड उधर रह गया, वो कैसे आ गया बेचारा, सुनसान का सहचर था, तो जैसे ही सोचे तो छोटा सा और पत्थर, एक और लुढ़का, और छड़ी को ले लिए दिए हमारे पास लेके आ गए। ये सब पूरी की पूरी नेचर, खाली दोस्ती करना सीख जाए बस मज़ा आ जाएगा। जब आँख बंद किए हों तो ईश्वर की जो भी कल्पना युग में जा रहे हो उसके साथ घनिष्ठ संबंध जोड़े, हद से ज़्यादा साजुजता स्थापित कर ले, और जब वहाँ खोले तो नेचर के साथ फ्रेंडशिप करें, भीतर वाला तो मस्ती था ही, बाहर वाला भी मस्ती हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हर जगह। दत्तात्रेय ने सीख लिया था, मकड़ी से सीख लिया था, मकड़ी प्रोफेसर निगलती है उगलती है, इसी तरह ईश्वर भी सारे सृष्टि को अपने भीतर प्रसन्न करता है, पड़ गया पूरा ब्रह्म ज्ञान पा लिया था। एकला चलो रे, चूड़ियाँ खनक रही थी कूटते हुए, उस कुमारी का फोड़ डाली, एक बचा वो, एकला चलो रे, शांति उस आत्मा और परमात्मा के बीच में, दो की दोस्ती नहीं, तीसरी इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें न कोई बिचौलिया। आप क्या ऐसा ध्यान करते हैं, हमको पूछने का राइट ही नहीं, ईश्वर से बातचीत कर रहा है उसका अपना कॉन्फिडेंशियल है, वो काहे कहे अपनी कॉन्फिडेंशियल बात, भगवान से क्या बात कर रहा है, कैसे कर रहा है। कृष्ण को खिला रही थी बासी भोजन, तो खिलाए जाते पहुंच गया सुंदर महात्मा, गए कि झूठा भोजन खिला रही, बासी खिला रही, तामसिक हो जाता है, शास्त्र पन्ना पलट के दिखा दिया कि बासी तामसिक होता है, तो कृष्ण को तामसिक बना दी, खूब रोई बूढ़ी दादी माँ। सुबह में कृष्ण सामने आए, माथा सहलाए कि गलती बोलता है, हमको बासी ही बढ़िया लगता है, तू बासी खिलाएगी तभी हम खुश रहेंगे,
फिर चल पड़ी अपने खिलाने। प्रेम वो बहुत चीज़ है, सबसे दोस्ती के लिए कर लेते क्या, एक बॉस रहता है आदमी के पास तो ये बॉडीगार्ड फैला के चले, ईश्वर ही एक दोस्ती हो जाए तो उसके लिए समर्पण। तो ये नेचर से बात बनती है, सीख लिया घुल गए दत्तात्रेय हर जगह से कहीं से भी, वैसे से भी सीखा, देखे वैसे भी प्रोफेसर बन सकती है। ठीक है, तो हम शांति पाठ करते हैं, आपको कोई ये बने तो, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं ध्यान का, प्राण के रूप में मन ही ब्रह्म है, हृदय ही ब्रह्म है, स्नेह या चक्षु ही ब्रह्म है, देखें तो उसके भीतर की चेतना को हम देखें, आत्मसत्ता को। तो एक बार ओम बोल देंगे, तीन बार शांति बोलेंगे, अपने सीनियर्स लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे हम लोग, एक से ज्ञान मिल रहा है यहाँ पर, हम लोग लाभ लें, और इन सब के आशीर्वाद से पूरा सत्र हो। किसी भी तरह का कोई क्वारी हो तो बाद में हल कर लेंगे। ओ शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्ति। प्रणाम।